कितना बुरा स्क्रैच मारा है, कितना बुरा स्क्रैच मारा है नई कार में। और ये देखना कोई बैठा भी यहाँ पर, देख ये पाँव के निशान है भैया। ब्लॉगर है, ब्लॉगर है नहीं, अरे सुनो सुनो बात ऐसी है ना, सुनो भाई पहले तमीज से बात कर, पहले तमीज से बात कर, अपने सिक्योरिटी के लिए करेंगे भाई। आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे, आप क्यों बदतमीजी कर रहे हो? नहीं आप बदतमीजी मत करो पहले, तो बंद कर भाई, पहले बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राकेश नवानी और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। ये एकदम से एक्सीडेंटल और कोइंसिडेंटली एक वाकया मेरे साथ हुआ है ऋषिकेश में, तो वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता चले कि ऐसी सिचुएशन जब वो आती है तो किस तरीके से हैंडल करें और क्या क्या होता है एक्चुअली में। तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारी बातें पता चले। जो भी चीज़ हो रहा है मैं सब आपको दिखाने वाला हूँ यार, बहुत दिमाग खराब हो रखा है, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। कैसे लोग हैं, क्या जान पूछ के मारा गया? अंकल जी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए ना आपको। तो मतलब नहीं है तो ये ऐसे कैसे हो गया अंकल जी? नई गाड़ी अभी ऐसे तो कोई ना मारने का, ये तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी हो गया है? आपके सामने है ना, देखो नई गाड़ी में कर रखा है, 100 रुपए का हम दे रहे हैं अभी, गाड़ी सेफ रखने के लिए दे रहे हैं, खड़ी कर दे अपनी गाड़ी। ये चढ़ के बैठा हुआ है कोई, देखो पाँव के निशान देखो पीछे, ये पाँव के निशान देखो, जानबूझ के क्या देख क्या रहे हो मुझे ये बता दो, क्या देख रहे हो आप यहाँ? ये देख आगे देख, मतलब पूरी फुल मजे में मारा गया है, ऐसा भी नहीं कि चलते चलते पहली गाड़ी में कोई यहाँ कार ही सेफ नहीं है। वैसे तो ऐसे आए थे आप भागे भागे कि एडवांस पैसा, एडवांस पैसा। यार ये देख रहे कितना जोर से गया, देख रहे यहाँ तक, ये देख रहे चूना नहीं, देख रहे झड़ रहा है। और क्या फायदा है, 100 रुपए दिए इसको पार्किंग के, उसके बाद साले कार में कितना गंदे स्क्रैच लग रहा है यार। कितनी गलत बात है, हम 100 रुपए देते हैं पार्किंग के लिए, पार्क करने के लिए, और पैसे ही पहले लेते हैं पार्किंग से कि भाई पैसे दे दो, कोई सेफ्टी नहीं है, इतनी बुरी तरह स्क्रैच मारे गए हैं, वहाँ पर जूते रखे हुए हैं, इतनी बुरी हालत है, बता यहाँ क्या फ़ायदा कार पार्किंग करने का? ये देखो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ तो बताओ, आप तो आके बैठ गए। ये देखो ये वाली शॉप है, इस शॉप के सामने पार्किंग कर रखे हैं, प्राइवेट पार्किंग है, गवर्नमेंट पार्किंग नहीं है। ये पर कार के ये 100 रुपए लेते हैं, और अगर आपकी कार को कुछ हो जाए ना तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये कुछ भी नहीं करते, मतलब 100 रुपए देने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी हमने इनको बोला तो बैठ गया, कोई मतलब नहीं है, कह रहे भाई हमने देखा नहीं। यार अगर देखा नहीं तो भाई 100 रुपए मत लो ना, ऐसे तो कोई पार्किंग में कार लगाएगा ही नहीं। बगल में आपकी गाड़ी वाला ही कोई मार दे तो हम उसमें क्या करेंगे? बगल की गाड़ी वाले नहीं, शीशे पे जाके दोनों पैर खराब रही है, आपकी प्रॉपर्टी है, यू आर रिस्पांसिबल ना, तो गाड़ी आपको दे के गए हैं, इसके बाद रिस्पांसिबल हूं मैं, पर चोरी का रिस्पांसिबल ना। अब वहां देखिए आप, अगर आप कोई वैसे वहां के उसके आग लगा साइड में ले जाए, आप गाड़ी देखो आपकी भी गाड़ी है, आपकी गाड़ी है, आप अगर किसी के लगा दोगे तो मैं कैसे बोल दूंगा? ये क्यों नहीं बोलोगे? आपकी प्रॉपर्टी बात कर रहे हो, बिल्कुल तसल्ली से मारा गया है, ऐसा नहीं कि एक स्क्रैच मार दिया पूरा लंबा अनइंटेंस। छोटी मोटी बात होती ना हम आपको बोलते ही नहीं, ये तो मौज में मारा गया है पूरा है, यहाँ पे देखो ये, और उधर पैर रख के बैठा बंदा, पार्टी चल रही है यहाँ, पैर छाप रखे हैं। आपकी प्रॉपर्टी पे कोई इतनी मौज मार रहा है? अगर बंदा आपको 100 रुपए दे रहा है ना, तो आपकी यहाँ पर देखो हम यहाँ घूम रहे हैं, तुमको कौन बोल रहा है भाई? हाँ नहीं, मैं तो ओनर को बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं यार, इधर मेरे से बात करो ना, मैं करता रहा हूँ, मैं आपको ओनर हूँ, हम बात जवाब दे तो रहा हूँ ना। ये अब देखिए ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ से कोई उतर के आपको पता ना लेने ले ले, अब हम क्या कर सकेंगे? और उसके बाद आगे भी जान के घर, आगे भी आगे पीछे का दोनों पीछे, लेकिन किसने यहाँ से घर और आगे पास आदमी दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल आवाज नहीं हुई। कैसे लोग है, क्या बात कर रहे हो यार? ये तो पार्किंग है, रखो पार्किंग लगाओ ही मत, पार्किंग का रखो ही मत। जब इनको पर्ची वर्ची काट, जब हम जा रहे हैं ना, जब हम जा रहे हैं तो अंकल आगे हमारी गाड़ी काट रहे हैं। भैया ब्लॉगर है, ब्लॉगर है नहीं, अरे सुनो सर बात ऐसी है ना, सुनो भाई पहले तमीज से बात कर, पहले तमीज से बात कर, अपने सिक्योरिटी के लिए करेंगे। हाँ भाई आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे, आप क्यों बदतमीजी कर रहे हो? बदतमीजी तो आप नहीं, आप बदतमीजी मत करो पहले, तो इसको बंद कर भाई, पहले बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो, घूम रहे हैं आपसे बात ही नहीं कर रहे, किससे भी बात कर रहे हैं? हम उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं यार। भैया बताओ क्या, सुनो मेरी बात सुनो,
ठीक है, आप जो बोल रहे हो ना आपकी बात भी ठीक है कि भाई कोई ऐसे कर जाए तो ठीक है, ये इतना सा चलता चलता कोई कर जाता ना, ठीक है, यहाँ पे किया, सामने किया, पीछे यहाँ पे दोनों पैर छाप दे, तब तक आपका ध्यान ही नहीं, हमारा बंदा तो नहीं करेगा ना, ये भी आपका बंदा क्यों करेगा, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल ना, अरे रिस्पॉन्सिबल ऐसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दोगे यार, नहीं नहीं आपकी प्रॉपर्टी है, आदमी थोड़ी खड़ा, आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपनी ड्यूटी में नहीं हो, नहीं आपकी प्रॉपर्टी है, तीन गाड़ी है, हां तो एक मिनट यार बात फिर बंद करवा, रुक जा एक बात सुनो, आप ये अगर थोड़ा सा कर जाते ना तो हम आपको बोलते भी नहीं, क्योंकि आप एकदम इस गाड़ी के पास ही नहीं बैठोगे, कितना डार्क तरीके से कर रखा है यार बताओ, बस यही चाहता हूँ मैं भी, वही करा दो, आपसे लड़ना थोड़ी है, आ जाओ चलो भाई, चलो फिर आप इसको टाटा किस में ले चलो, हाँ ये करा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे अंकल आए ना भाई साहब 100 रुपए दो एडवांस में, एडवांस ही लेते हैं हमें, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, लो भैया एडवांस लो लेकिन ध्यान रखना, हमें भी अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जैसे फी ना वैसे कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और देखो हमने बात की तो एकदम वो हाथापाई पे आ गया था बिल्कुल झगड़ने के लिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी है अभी कह रहे हैं हमारी क्या जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों नहीं है यार, ऊपर झगड़ा कर रहे हैं मतलब ऐसे हाथापाई के लिए आ रहे हैं, सालों ने गुंडे बाल रखे हैं, अभी टाटा मोटर्स करके शोरूम है वो कह रहे हैं कि वहां चल लो, हम वहां आपके इसके रबिंग करा देंगे, ठीक करा, अभी टाटा मोटर्स के जो ये पीछे वर्कशॉप है वहाँ पर आ रखे हैं हम, ये है भैया ये पूरा थ्रू आउट मार रखा है, देखो आप देखो टेंट होगा कोई इलाज ही नहीं है, ये करना है आपने, ये बताओ ये जो आप बता रहे हो चलो तो इसमें खर्चा कितना होगा, खर्चा बताओ कितना हो जाएगा, हम दिल्ली जाए करवाएंगे फिर, मतलब कितना शायद उन्हें 12 और ये होगा कंपल बॉन्ड भी होगा, इंश्योरेंस तो लेना ही नहीं है इतने से काम का, इंश्योरेंस में वो आ जाएगा, अरे खर्चा पूछ ना, तो ऐसे थोड़ी है कि कल तक हम वेट करें, ऐसे नहीं होगा, तो नहीं मैं अपना नहीं, फिर मैं कानूनी तरीके से कर लेता हूँ, फिर मैं कानूनी तरीके से कर लेता हूँ, मैं अपना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है मैं वो नहीं कर रहा, कानूनी तरीके से कर लेते हैं, भैया मैं कैश नहीं दूंगा, मैं इसको करवाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा आपकी बात, ये तो अभी इस चीज में तो पेंट में भी टाइम लगेगा, गाड़ी जाएगी तो आपकी होगा, पेंट भी कम से कम होता होगा, मैं करवाने का मना किया क्या, आपने कहा इतना, मैंने फिर भी कहा चलो टाटा की गाड़ी शोरूम में ही लाऊंगा और कहां लाऊंगा, शोरूम वालों से पूछ रहे हैं हम, आप भी थोड़ी बोल रहे हो, एट द एंड पैसे देने, पैसे मैंने वहां देने, आप ऐसे नहीं देने, अरे तुम इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, सीधा पुलिस को बुलाओ, यहाँ पार्किंग थी, ये केस है हमारा, तुम ये दिल्ली की गाड़ी है, मैं दिल्ली के शोरूम में करवाऊंगा, मेरे में चलो आप वहाँ करो, मैं यहीं कराऊंगा, यहीं हुई है यहीं कराऊंगा, और कैसे तो यार हमने पूरी कोशिश की कि ये चीज ढंग से चली जाए, हमने ये बोला कि चलो इसका ठीक करा दो, तो इन्होंने बोला कि 2 दिन कार यहाँ आपको छोड़नी पड़ेगी, भाई नौकरी छोड़ के यहाँ 2 या 3 दिन हम कार लेके थोड़ी ना हम बैठे रहेंगे, फिर हमने बोला भाई जितना खर्चा आएगा उतना हम खर्चा देते हैं, हम दिल्ली में ठीक करा देंगे, तो इन्होंने बोला नहीं हम दिल्ली के हम पैसे नहीं देंगे, हम तो 3 दिन खड़ी रखो यहाँ पर और तब हम ठीक कराएंगे 3 दिन के लिए, तो भाई ये बात तो गलत है ना, टाटा में मैनेजर कौन है, ये अभी क्यों नहीं हो पाया टाटा की, बिल्कुल अभी बात थोड़ी बढ़ गई, तो हमने पुलिस को कॉल कर दिया, ऋषिकेश की जो पुलिस है लोकल वो अभी यहाँ पर आ रही है, और क्योंकि अब लीगली बात होगी, ऐसे तो ये मान नहीं रहे और धमकी हमकी भी दे रहे हैं, 2-4 गुंडे भी ले आए थे ये अपने पास, तो भाई हमें हाथापाई तो करनी नहीं है, हाथापाई हम भी कर सकते हैं लेकिन हमें नहीं करनी, हमें लीगली सब कुछ करना है, ठीक घूमने आ रखे हाथापाई करने नहीं आ रखे, तो हमने ये पुलिस को कॉल कर दिया है, पुलिस यहाँ पर आ रही है, अब जो निपटारा करेगी ना पुलिस ही निपटारा करेगी, फिर दिखाते हैं आपको, टाटा शोरूम में कोई हर्ष करके मैनेजर है, उनसे बात ही तो उन्होंने बोला कि भैया वो कार छोड़नी पड़ेगी 5 दिन के लिए, और 5 दिन बाद यहाँ से जो स्क्रैच होंगे वो करेंगे, मतलब एक छोटे से स्क्रैच को मिटाने के लिए 5 दिन लेते हैं, ये सामने है इनका सर्विस सेंटर, सामने शोरूम है रामझूला की जो रोड है उसके रोड पे ही ये शोरूम है, और ये कह रहे 5 दिन का क्या मतलब बनता है, जान उसकी चीज़ों को टरगा रहे हैं ताकि हम उनसे कराएं ना, तो ये बहुत, क्योंकि यार ये मिले होते हैं ना आसपास के लोग हैं, पार्किंग वाले लोग, ये टाटा वाले लोग सब मिले हैं आपस में, तो यार ये बहुत गलत है, मतलब कोई बाहर से आ रहा इंसान आ रहा है तो मतलब उसको तंग करो, उसको मेंटल हरास करो, ये बहुत गलत है यार, और इस चीज़ को हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमको किस हद तक जाना पड़े ना हम जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ हो रही है ना वो आगे भी किसी के साथ ना हो, तो यार ये तो 100 रुपये की टिकट कटाई है मैंने आज 15 मई 2022 से,
और 100 रुपये की टिकट ली है मैंने प्रॉपर तरीके से, कार का नंबर भी इन्होंने नोट किया है। 100 रुपये देने के, ये मैं प्रूफ है, और 100 रुपये देने के बाद भी अगर ये चीज़ हो रही है ना तो शायद इस पार्किंग का कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। पुलिस को भी जब ये बात बताई है तो पुलिस भी यही कह रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की बनती है, लेकिन उसको बहाना मिल गया ना कि तुम लोग निकलने वाले हो तो मैं तो यही कराऊंगा, करवा लो। तो भाई चलो फाइनली चीजें निपटी और कंप्लीट करते हैं, आपको बताते हैं कैसे क्या हुआ। अब पहुंचते हैं, पहले लेट हो गया ना, घर जाके बात करते हैं, बहुत लेट हो गया। चलो ऑल सेट बॉयज, अरे बोलो कुछ। चलो यार फाइनली हो तो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल राफ्टिंग करने के बाद जो भसड़ हो गया था, झगड़ा वगड़ा, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हम थक चुके थे, तो मैं जब घर आया हूँ और हम सब सो गए हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे यार कल। तो कल हुआ ये कि जब ये सब हुआ उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस आई। हाँ, पुलिस वाला सीन मैंने कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि यार देखो पुलिस को कवर करना एक लीगल भी नहीं है एक तरह से, और सही भी नहीं लगता है उनकी रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि वो आ रहे हैं हमारी हेल्प कर रहे हैं और हम उनको वीडियो में दिखा रहे हैं, तो वो मुझे पर्सनली सही नहीं लगा, तो वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की। हुआ ये कि पुलिस आई, फिर जो लोग जो धमका रहे थे ना, 2-3 लोग तो यहाँ वहाँ भाग गए। उसके बाद जो वो मेन ऑनर था, जो बहुत मतलब इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था वो, उसको लगा कि हम दिल्ली से हैं, डर जाएंगे, भाग जाएंगे, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं, हम रुके रहे। वो एकदम लड़ाई करने के लिए, हाथापाई करने के लिए भी आए, हम खड़े रहे। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो सोच लिया था कि भाई हम जाएंगे नहीं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आज अगर हमने इसको छोड़ दिया ना तो शायद से दिल्ली या किसी भी स्टेट से कोई और बंदा यहाँ आएगा, उसका सेम अगर प्रॉब्लम आती है तो ऐसे ही उसको डरा के भगा देगा। फिर पुलिस आई, उन्होंने फिर जो कंपनसेशन था, हमने भी यही बोला था कि भाई कंपनसेशन कर दो, कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो या इसे ठीक करा दो। ठीक कराने के लिए तो वहाँ कार रखनी पड़ती, वो हमारे लिए भी थोड़ा ठीक नहीं था क्योंकि भाई 2-3 दिन हम कार छोड़ नहीं सकते थे। तो पुलिस ने आके कंपनसेशन करा दिया, और जितना भी अमाउंट, एक अमाउंट होता है जिससे कार ठीक हो सकती है, वो अमाउंट हमें दिलवा दिया। और भाई उनको ना, क्योंकि उनकी जो पार्किंग थी वो अनऑथराइज थी, वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, पूरा एकदम केस बना के उनका सब कुछ उन्होंने नोट किया है कि भाई ये अनऑथराइज पार्किंग चल रही है, यहाँ दादागिरी कर रहे हैं, लोगों को धमकाया जा रहा है। पूरी हेल्प की है पुलिस ने अपने तरीके से। ये जो मामला हुआ है ना यार, बात कंपनसेशन है पैसे की नहीं थी, बात ये थी कि आज अगर हम वो चीज़ देख के चले जाते हैं, उनसे डर के भाग जाते हैं ना, तो सेम चीज़ किसी और के साथ भी होती है और वो इंसान फिर सफ़र करता। लेकिन हमने जो कल स्टेप लिया है, उस स्टेप के कारण फ़ायदा ये हुआ है कि अगली बार से शायद से वो ये हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस वालों के सामने उन्होंने बोला है कि भी आगे से ये कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जितने लोग थे ना, वो जो धमका रहे थे, लड़ने को आ रहे थे, गुंडे थे वहाँ के, उन्होंने आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है हमसे। और पार्किंग वाला जो बहुत अकड़ गया था, उसने भी आके हाथ जोड़ के हमसे माफ़ी मांगी कि भाई गलती हो गई, और आज के बाद कोई भी टूरिस्ट आएगा तो हम उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं करेंगे। और ये ज़रूरी भी है यार, हम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं फन करने के लिए या टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने पैसे लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, और ऐसे कुछ जो लोग होते हैं वो हमारा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं ना कि हमारा अपना स्टेट छोड़ के या कहीं नई जगह जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो इसीलिए हमने ये स्टेप लिया कि आगे से किसी के साथ ये जो प्रॉब्लम हुई है ना, ये प्रॉब्लम ना हो। और जो आसपास के जो लोग, यहाँ टाटा मोटर्स भी इनके साथ पूरी तरीके से मिला हुआ था यार, जब हमने उनसे बात की कि भाई ठीक है आप करवा दो, टाटा मोटर्स को हमने बोला हमें पैसे नहीं चाहिए आप करवा दो, तो उन्होंने बोला 5 दिन से 1 हफ्ता लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो बंदा था पार्किंग वाला, वो उसके साथ मिला हुआ था, उसने उसको बोला कि भाई ऐसा टाइम बताना कि ये चाहते भी यहाँ छोड़े यहाँ कार। उसके बाद टाटा मोटर्स ने रबिंग कराई, कल आपने देखा था बहुत ज़्यादा लंबा स्क्रैच था, अब रबिंग कराई है तो रबिंग से तो खैर ज़्यादा नहीं गया, लेकिन स्क्रैच तो अभी भी है जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल है। कल तो बहुत ज़्यादा डार्क विजिबल था यार, ये विजिबल है और यहाँ देखो यहाँ भी हल्का सा विजिबल है, ये जाएगा ही नहीं, इसके लिए कुछ और कराना पड़ेगा जो कि मैं दिल्ली जाके कराऊंगा। और एक पार्ट ये देखो, ये वाला है, एक था किसी ने ना कोशिश की थी इसको और इस पर पाँव रख के इसको नीचे दबा के तोड़ने की ताकि कुछ वो निकाल ले। हमारा गुस्सा इसी बात का था कि यार कोई बंदा इतना आके स्क्रैच मार रहा है, पाँव से दबा के शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा है तुम्हारी पार्किंग में खड़े होके, और तुम देख ही नहीं रहे हो, मतलब तुमने 100 रुपये ले लिए और तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है भाई कोई कार से क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमारा ये कहना था जब हमने 100 रुपये किसी चीज़ के लिए पे किया है तो उसकी सर्विस हमें मिलनी चाहिए। आप ये बोले कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अपना मुंह नहीं मोड़ सकते,
अगर आपने रुपए दिए हैं तो सर्विस देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये हमारा था, मेरे जो दोस्त थे अभिषेक, राजेश, सतपाल, इन्होंने यार पूरा सपोर्ट किया। ऑब्वियसली दोस्त होते इसलिए कि कभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो सपोर्ट करें। पूरी तरीके से ये बिल्कुल अग्रेसिव थे और जितना सपोर्ट कर सकते थे ना इन्होंने वहाँ सपोर्ट किया। और भाई हमारी यूनिटी देख के ना वहाँ के लोगों ने भी, आसपास के लोगों ने भी बोला हाँ यार आप लोगों ने सही किया, क्योंकि ये ना बाहर के लोगों को बहुत परेशान करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों शेयर ज़रूर करना यार, ताकि किसी और इंसान को ना ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि अब सुबह के 7 बज चुके हैं, हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से 6 घंटे तो आराम से लगते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जाम मिलता है, मंडे है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।